गाइस, मैं हूं अमित और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रीम लास्ट टू लीव चैलेंज, जिसमें मेरे पीछे जो चार कंटेस्टेंट हैं, इनको चार एक्सट्रीम जगह पर रहना है। जो सबसे ज्यादा देर तक टिक पाएगा वो इस चैलेंज का विनर होगा और जीत जाएगा पूरे 1,00,000 रुपए। हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग है, ये जो गार्डन है, सारी जगह इनमें से इनको अलग अलग जगह मिलेंगी और उस जगह पे इनको अपना जो टाइम है वो बिताना है। देखते हैं कौन कितना देर तक टिक पाता है और कौन 1,00,000 रुपए जीतता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। दोस्तों, इन चार लोगों के लिए मेरे हाथ में चार पर्चियां हैं जिनमें चार अलग अलग लोकेशन लिखी हुई है। अब वो इनकी किस्मत है कि किसके पास में क्या चीज आती है। और इनका जो चैलेंज है गाइस, उसको आसान बिल्कुल नहीं होने देंगे, इनके चैलेंज को मुश्किल बनाएंगे। और कोई नहीं, मैं खुद गाइस, मैं खुद ये गड़बड़े बाबा। चलो गाइस, फटाफट से जो है इनको इनकी पर्ची देते हैं। कौन उठाएगा सबसे पहले? चार पर्चियां हैं, चलो अपनी अपनी उठा लो, खोलना मत लेकिन। चलो गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले बबलू से। अबे रुको, मत खोलो यार। अरे रुक जा, इधर तो लगता ही है पागल हो गया। क्या हो गया गाइस? बबलू को मिला है टेंट। यहाँ पर है बहुत सारे टेंट, तो इसमें से एक टेंट के अंदर बबलू को रहना है। लेकिन जितना खुशी हो रहा है उतना खुशी की बात नहीं है। वो अब इसको पता लगेगा कि क्या है इसमें, ट्विस्ट है। गाइस देखते हैं मोहित के पास में क्या है। मोहित के पास में है गार्डन, इसको जो है गार्डन में रहना है और इसके लिए भी ट्विस्ट है। शशिकांत के पास में क्या है? शशि के पास में आया पूल टेबल। और करतार के पास में आया है टॉयलेट। टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाएगा करतार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन लोगों को इनकी जगह के अंदर शिफ्ट करते हैं। हाँ, के लिए सबसे आसान चीज है क्या? चार चार घंटे तो रोज बैठता है। हाँ, ये डेली जाता ही है, तो वहीं पे कर लेना सब। चलो गाइस, अब फटाफट चैलेंज को शुरू करते हैं। सबको इनकी जो जगह है वहाँ पर फिक्स करते हैं। सबसे पहले बबलू आ जा। भाई ये है बबलू का टेंट। इस टेंट के अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर ये है बेड, ये पूरा टेंट है। और यहाँ पर जो है हीटर वगैरह भी लगा हुआ है। बाथरूम और टॉयलेट और वॉश बेसिन और टूथब्रश वगैरह सारी चीजें अंदर जो है भाई रखी हुई है। बताओ बबलू, तो वैसे जीत गया। क्या जीत गया बबलू? सारी सुविधा तो मिल गई। अरे चलो तुम्हारे जगह चलो। और बबलू के पास में एक पानी की बोतल भी है, ये पकड़ भाई, आ जा। भाई बाकी लोगों को भी फटाफट इनकी जगह पे सेट करते। ओए रुक 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 रुक, तू जा रहा है? यही रुक जा। अरे इसका गार्डन यही है, एक दूसरे को मारना अलाउड नहीं है। इस गार्डन से अगर बाहर गया तो तू चैलेंज से बाहर है। अब मेरी बात सुनो, इस पूल टेबल में जो ब्लू, ये ब्लू कलर से आगे नहीं आना चाहिए, हाथ पैर कुछ भी, इस लकड़ी पे भी आया तो चैलेंज से बाहर। भाई ये है करतार का रूम। और करतार लेकिन इस रूम को यूज नहीं कर सकता है। करतार जो यूज कर सकता है वो है सिर्फ इस रूम की टॉयलेट। करतार आजा। भाई ये है करतार की टॉयलेट। और करतार जो है वो इस टॉयलेट के अंदर अभी हो चुका है। अब करतार इस रूम से बाहर नहीं आ सकता जब तक इसका चैलेंज पूरा ना हो जाए। करतार के पास में क्या क्या चीजें बता देता हूँ। एक शीट है, एक वॉश मशीन है, कुछ यहाँ पर जो है शैम्पू, मॉइस्चराइजर है ना, हैंड वॉश, ये चीजें हैं। यहाँ पर एक बाल्टी है जिसमें करतार नहा सकता है। यहाँ पर ऊपर शावर भी है, गीजर लगा हुआ है, तौलिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो करतार Enjoy your bathroom. इस बाथरूम में तू टट्टी नहीं कर सकता। टट्टी कर ले, वे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में आ जाएगा। और वहाँ पर जो शशि है वो बैठा हुआ अपने पूल टेबल के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। हाँ ठीक है सब। अरे ना, एक चलो एक बोल दे दूंगा, छोड़ो दो दे दो। ना एक दे सकता हूँ, बस एक बोल रखो अपने पास। तो भाई जो सारी बॉल्स हैं वो हमने जब्त कर ली हैं, सिर्फ एक बॉल जो है वो अलाउड है इस पूरे पूल टेबल के ऊपर। क्या? अच्छा अच्छा, हम लोग पागल हैं, बाहर आ जाओ। तकिया लो, बेड लो, सोफा लो, सो आराम से। सही चीजें मिल गई। हाँ तो वो तो जीत जाएंगे ऐसे तो। वो जीत जाएंगे, ये भी तो सही है ना। यहाँ गर्मी है ना, कुछ हो रहा है ना, ठंड है। गाइज मेरे हिस्से में एक गार्डन आया है, मुझे गार्डन में रहना है। सबसे ज्यादा देर तक मैं रहूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। मुझे लगता है ये मेरे लिए इजी रहेगा, बट सिर्फ सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए सर्दी से बचना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, दे देंगे कुछ तो अलग बात है। और मुझे लगता है बारिश भी हो सकती है। अच्छा, और भाई ये गार्डन बहुत बड़ा है। ठीक है, और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये सारा गार्डन मेरा है। समझ गया। और भाई सब क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो मोहित है वो अपने गार्डन में है और फुटबॉल खेल रहा है वहाँ पर। उसकी फुटबॉल छीनते हैं सबसे पहले तो। मेरे को टच करेगा तो बाहर हो जाएगा। डोंट टच मी। बबलू बोल रहा है। बबलू क्या बोल रहा है? मेरे तो मजे हैं, सुन गया मेरे को। हाँ बबलू, कितने मजे आ रहे हैं तेरे को? अरे बहुत मजे आ रहे हैं भाई। बबलू के तो मजे ही मजे हो रखे। मुझे क्या करना है, सोना? अच्छा, सो जाऊंगा। बबलू को भाई कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है इसके अंदर, तो बबलू तेरा मजा थोड़ा सा और बढ़ा दूं। बबलू की कंडीशन ये है, इस पे से खड़ा हो। इस बेड का यूज नहीं कर सकता। अगर तूने बेड को टच भी कर दिया तो तू बाहर है। और बाथरूम भी यूज नहीं कर सकता। ये दो नंबर
घास में। मैं तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ, तू किसी चेयर पे नहीं बैठ सकता, ना तू घास से अलग हो सकता है। तेरे को सिर्फ गार्डन मिला है, गार्डन की सारी सुविधा नहीं मिली है। दोस्तों अभी सारे लोग अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं, अब जो जितनी देर रहेगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा देर रहेगा। तो इनके ऊपर है कि कौन बाहर आना चाहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं, तो गाइज हम लोग फिलहाल हैं आयरिस हेवंस बाय राधा रानी रिजॉर्ट, जो कि है जयपुर में। भाई एकदम मस्त जगह है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है अंदर, तो वो सारी भी जो है इनसे करवाएंगे। देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। गाइज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, और मैं क्या करूँ, ये एक बॉल है मेरे पास। और ज़्यादा दिक्कत तो ये है भाई, मेरे को अगर सुसु लगेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। और भाई 1,00,000 तो मैं ही जीतूंगा भाई, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, मेरे लिए बहुत ईजी है यार ये, तो बस रात का मुझे देखना पड़ेगा, वो मैं देख लूंगा। भाई मुझे सबसे ज़्यादा टाइम रुकना है, और अभी तक तो मैं ठीक हूँ, और ये चुप रहा है थोड़ा बस, और ये 1,00,000 रुपए तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या है अरे यार, सच में बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं कैसे जीतूंगा। लेकिन यार ये एक बात है कि मुझे कुछ सारी चीजें मैं कर सकता हूँ ना, टॉयलेट में कर सकता हूँ, पोटी में कर सकता हूँ, नहा भी सकता हूँ। पानी तो दे दो, दुनिया में पहला इंसान होगा जो इस टेबल पे सो रहा है, पूल टेबल पे सो रहा है भाई। और गाइस इन चार लोगों के अलग अलग चार जगह शिफ्ट कर दिया गया है, और मोहित है यहाँ पे, और बबलू है टेंट के अंदर। गाइस थोड़ी देर पूल खेल लेते हैं यार, बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। अगर एक भी बॉल टच हुई तो चैलेंज से बाहर हो, ठीक है भाई। मेरी मर्जी, मैं किसी भी बॉल पे मारू, वैसे व्हाइट वाली पे मारना होता है, पर मैं तो किसी पे भी मारूंगा। करता हूँ, डालता हूँ। गाइस 2 मिनट आए थे और भाई थका के चले गए हैं, अब मेरे को प्यास लग रही है, लेकिन पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि पानी पीऊंगा तो फिर मुझे लगेगी सुसु। पानी लाने के लिए बोला था यार, पर पानी भी नहीं आया। एक तो जब मैं बोलता हूँ ना तो पूरे इसमें ना आवाज सुनते देखो, भाई ये कलरफुल टेंट कितने अच्छे लग रहे हैं ना। भाई मोहित के पास में ये पूरा का पूरा गार्डन है। ओए टच मत करना कुछ भी गार्डन के अलावा, बाहर हो जाएगा। भाई इन लोगों को 3 घंटे हो चुके हैं फिलहाल अपनी अपनी जगह पर, देखते हैं कितनी देर सरवाइव कर पाता हूं मैं इस टेबल पे। भाई करतार के क्या हाल हैं वो भी देख लेते हैं। और करतार जो है वो बैठ चुका है। बैठ क्यों गया तू? नीचे बैठा हुआ आराम से। भाई पहला बंदा हुआ जो बाथरूम के अंदर सो रहा है। डोंट डू टट्टी। भाई ये लोग बहुत देर से भूखा भूखा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ तो कुछ खाने के लिए देता हूँ। भाई 5 रुपए वाला ही है ये, टेढ़े मेढ़े 4 पैकेट सबको एक ही देता हूँ। तो बबलू जो है वो है इसके अंदर, हाँ सही बैठा है अभी तक। ले चाय वाय का काम नहीं है, तुम्हारी सेवा थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। 1,00,000 रुपए ले रहे हो तुम ये चैलेंज के। गाइस काफी देर के बाद में भाई इन्होंने एक पैकेट ये कुरकुरे का दिया है, टेढ़े मेढ़े। कुछ खाएगा? भाई अरे पानी तो इसमें है ना, डब्बे में बहुत सारा आता है, उसमें निकाल ले। अबे खा ले। पहली बार करता जो टॉयलेट में से कुछ जो है खाएगा। हमने पता है बबलू को एक बोतल दी थी, बाकी लोगों को पानी नहीं दिया था, तो उनको भी एक एक बोतल दे देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये लोग एकदम से चैलेंज को छोड़ दें, थोड़ा जो है इनके अंदर भी एनर्जी बच्चे जिंदगी जीने की और चैलेंज कंप्लीट करने की, इसीलिए यहाँ पर जो है चाय दे दीजिए सभी को। अब करतार को चाय पिलाएंगे। 5 रुपए का आता है गाइस, इसमें क्या होगा यार, छोटी सी पानी की बोतल। चाय दे देते हैं करतार को अंदर, और ये पहला बंदा होगा जो कि टॉयलेट के अंदर चाय, पता नहीं भाई कोई पीता भी हो, लेकिन करतार जो है उसको तो आज अंदर ही खाना पीना पड़ेगा। बबलू तेरा हाथ बाहर आ रहा है टेंट से, बेड पे तो नहीं चढ़ा ना? कैमरा चेक कर रहे हम सारे, देख लेना कैमरे। ये हमने तुम्हारे ऊपर वो करके दे दी, क्या करके, दया करके। ये दया, ये मेहरबानी का कर्ज मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? Later that same evening. Guys, अंधेरा हो गया, रात होने वाली है, सर्दी भी बढ़ रही है, अभी से मुझे ठंड लगने लग गई है, मुझे मेरा जैकेट चाहिए भाई, अब नहीं रहा जाएगा मुझसे बिना जैकेट के। ओ भाई लाइट जल गई, अब मुझे अकेला फील नहीं हो रहा, लाइट वाइट लगने से मुझे अच्छा फील हो रहा है भाई। हाँ बेड पे तो नहीं गए ना? कैमरा चेक कर ले बेड पे, यहाँ से उठो ना, हूँ मेहनत कर रहा हूँ, देखी नहीं जाती मेहनत। इससे जीत के दिखाइयो फिर मान जाऊंगा। कौन है तू? मैं जानता ही नहीं भाई, इसमें चैलेंज के लिए मैं भाई को भूल गया। 1,00,000 रुपए चक्कर में भाई को भूल गया।
और गाइज अभी जो है रात हो चुकी है, बाहर की लाइटें मुझे दिख रही है, लाइटें जल चुकी हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह हूँ। कम से कम यहाँ पे सर्दी नहीं लग रही है, चारों तरफ से बंद है। छोटी सी जगह में यार, बाहर वो सारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है मैं बाहर जाके देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं। गाइज रात हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, और मुझे ठंड लग रही है यार बहुत ज्यादा, ठीक है। ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं मुझे ओढ़ने के लिए, ना मेरा जैकेट दे रहे हैं, ठीक है, समझ गया। और ऐसे बोल रहे हैं नहीं मिलेगा तुझे, समझ गया। और अब तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मुझे मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अमित भाई, अरे कुछ ओढ़ने को दे दो यार। भाई अंधेरा हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने जो है ये थोड़ा सा मोटा जैकेट पहन लिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है। और फिलहाल मोहित की हालत हो रही है खराब, क्योंकि मोहित वहां कोने में अकेला बैठ गया है, उसने जैकेट वैकेट तो पहनी नहीं है। क्या हो गया? ओढ़ने के लिए कुछ दे दो, वरना फिर मुझसे नहीं होगा, मैं ट्वीट कर लूंगा। ओढ़ने के लिए दे दो, ओढ़ने के लिए थोड़ी तो कर दे, बाकी लोगों के साथ अनफेयर हो जाएगा ऐसा करने पे। तो तेरे पास पूरी आसमान की चार दीवारी है भाई, पूरे संसार ही ब्रह्मांड की चार दीवारी तेरे ऊपर है। ये तो यहीं पे ही पड़ा हुआ है, जब इसे ही खा पी के ओढ़ ओढ़ के। और भाई इसके, अरे तेरे रूम में बैठ है, इस पे सो जाना, आ जाना इस पे। अब अगर तूने हीटर चलाया तो तू चैलेंज से बाहर है, वहाँ ठंड में मर रहे हैं लोग और तू यहाँ पे हीटर चला के बैठा है। बहुत तेज हो रहा है, ये भी अनफेयर है ना। जितना देर तूने हीटर में जो है गर्मी ली है, उतनी देर तेरे सामने जो पंखा चलेगा। और यहाँ पर पता है पूरे ग्राउंड के अंदर ये लाइटिंग लगी हुई है, जो कि बहुत मस्त लग रही है भाई। और वो बॉक्सर के ऊपर गिर रही है, कितना शानदार लग रहा है यार। भाई अब लोगों को भूख भी बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो हम इनको भूखा तो नहीं मारना चाहते, इसीलिए इनके ऊपर दया करके हम लोग इनको खाना देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे गाइस। आ जाओ मजे लेते हैं। बबलू जो है वो क्या ओढ़ ओढ़ के पड़ा हुआ है तू? अरे दे दूंगा क्या, ऐसे बीक की थड़े तरह मांग रहे तो एक टास्क करना पड़ेगा, बर्गर खाना है तो कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसा जोक सुना और मेरे को हंसी आनी चाहिए। एक लड़की का किडनैपिंग कर लेता है एक गुंडा, उसके बाप को फोन करके ऐसे बोलता है कि 10 लाख रुपए दे, नहीं तो मैं अभी तो उंगली भेजा हूँ तेरी बेटी, मतलब उंगली काट के भेज देता है। फिर वो बोलता है बॉडी काट के भेज तो मानू। ये फंस गया सी है। क्या जोक सुना है? चलो भाई लेकिन ठीक है, पता है इसके सुनाने के तरीके से ऐसी आगे, मेरे को इसके जोक पे ऐसी नहीं आई, ले पकड़। भाई बहुत तेज भूख लग रही थी, मजा आ गया बर्गर देख के। भाई एक बार है ना, तीन दोस्त थे, दो खड़े थे एक बैठा था टेबल पे, और जो नहीं हंसेगा ना उन वो दोस्त कुत्ता होगा। यार ये कोई मतलब नहीं है यार। तो भाई फाइनली काफी देर के बाद में कुछ खाने को मिला है, और वो भी बड़ी मेहनत से मैंने कमाया अपना खाने का। भरे हुए के खिलाने से कभी मजा नहीं आता जब, लेकिन खाली पेट होता है ना तो हर चीज मजेदार लगती है। अरे यार ये बलब है ना, ये हटवा दो। कैसा लग रहा है इस पूल टेबल पर इतना देर बैठ करके? मैं मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि किसी टेबल पे मैं इतनी देर बैठ पाऊंगा, चेयर पे ही नहीं बैठा इतनी देर। और पता भाई ये जो टेबल है ना, ये आपको दिख रही होगी लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है, एकदम हार्ड है एकदम। मोहित आ गया है। मोहित बाहर हो गया क्यों? ठंड लग रही है भाई यार, कुछ तो दे दे यार। ओ भाई ठंडा हो रखा है एकदम ही। गाइस पहला बंदा बाहर हो गया, हमें तो पता भी नहीं लगा। अरे तो भाई अब इसमें हम क्या करें यार, तेरा जान चैलेंज था। गाइस चार लोगों में से तीन लोग बचे हैं फिलहाल। क्या हो गया, ठंड की वजह से आ गया? हाँ ठंड की वजह से आ गया। रात ही तो बची थी। तो रात कैसे निकालू यार मैं वहाँ पे, आधी रात बड़ी मुश्किल से निकाली मैंने। मैं तो खुद बोर हो गया कि तुम लोग निकल जाओ भाई, ये चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को इधर उधर घूमना पड़ रहा है बार बार। आज शौचालय बनेगा भोजनालय। इतनी देर से भूख लग रखी थी तेरे को, इतनी कैसी स्मेल आ रही है इसके अंदर, चलो बाहर से पूछता हूँ। अगर तेरे को बर्गर खाना है तो तुझे एक जोक सुनाना पड़ेगा, अगर मुझे हंसी आई तो दे दूंगा, नहीं आई तो नहीं दूंगा। शोभा लड़कों को गाली क्यों नहीं देती है? क्योंकि लड़की को गाली शोभा नहीं देती। लड़की शोभा गाली नहीं देती, गाली दे लड़की
गाली। अरे कहना क्या चाहते हो? जो करतार है वो ही सेलिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार शौचालय में भोजनालय हमको देखना है, तो उसके लिए करतार को जो है मैं दे रहा हूँ। तेरी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तेरे को मुबारक हो। यार मैंने कभी सोचा था सच में कि इसके साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगा। सपने में परेशान हो गया, अभी आपने स्मेल आ रही है बहुत तेज। हिलना मत। चलो एक टास्क देता हूँ सुसु करने के लिए। क्या दूँ? एक मिनट के लिए शीर्षासन करो, अपने सर के बल खड़े हो जाओ। एक मिनट तक? हाँ सही है भाई, करना है तो करो। ओ भाई सुसु के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ओ सुसु निकल गई थी तेरे भाई, ये ऐसे होता है शीर्षासन। ओ ये मत करना, लग जाएगी, लग जाएगी। एक मिनट का टाइम है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, खाली हो गया, अब सोऊंगा आराम से 4-5 घंटे। भाई ऐसे तो कहने को तो करतार के पास ही पूरा का पूरा रूम है, लेकिन वो इस टॉयलेट के अंदर मजबूरी बंद है। क्यों भाई, ये क्या कर रहा है? ये क्या है? क्या गिर गया? नीचे इसने जो है साबुन गिरा दिया है और हालत ख़राब कर दी, और कचरा और वहाँ पर डाल रखा है। गाइस मेरे पास इतनी सुविधा होने के बावजूद भी मैं नीचे सो रहा हूँ, और मुझे ऊपर से ढकने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं दिया कमी मैंने, नींद भी नहीं आ रही है। ऐसे अब आराम से सोऊंगा। तो भाई आज मैं आपको टॉयलेट टूर कराने वाला हूँ, जो कि आपको पता तो होगा ही टॉयलेट में होता क्या क्या। तो भाई सबसे पहली चीज जो हर टॉयलेट में आपको जरूर है, ठूठी। ये ठूठी होती है गाइस हर टॉयलेट में मिलेगी आपको। ये वाला क्या है आपको नहीं पता? मुझे पता है, ये वाला होता है, इसमें ये इसको बोलते हैं शावर, इसमें बोलते हैं साबुन। ये भी है साबुन रखने का। ये है गाइस शैम्पू लगाने का, आप अगर देखा नहीं होगा, आप देखा होगा पैकेट वाला, उसको मारते हैं, उसको ऐसे दबाना होता है और ये कर दिया, उसको गीजर बोलते हैं। और इसका प्लग है, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। आपको पता है क्या चीज़ है? आपको नहीं पता? इसको बोलते हैं टॉयलेट सीट, इसमें पॉटी करते हैं, टंकी। दबाते हैं ये गाड़ी, इसका जेट इंजन, प्लेन वाला जेट इंजन नहीं है, ये घूमने वाला इंजन है। ये देखो, देखा, ये इसका डस्टबिन है, ये वॉश मशीन है, इसके अंदर ऐसे चलाओ, हाथ धो लो, बंद कर दो। काफी टाइम हो गया वैसे, रात काफी हो गया फिलहाल, बाहर का वक्त एक तो पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सोते हैं यार। गाइस पहली बार जूते पहन के सो रहा हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस सुबह के 9-10 बज चुके हैं, और सर जो है वो कल से दर्द कर रहा था और पूरी रात नींद नहीं आई अच्छे से। 8-7-6-5 अच्छा। मैं तो उठ चुका हूँ भाई सुबह सुबह, और पता है क्या हुआ है भाई, बारिश आ रही है बाहर, ये देखो गाड़ी जो है पूरी गीली हो रखी है। बबलू गुड मॉर्निंग, बधाई हो कि आप इस चैलेंज से बाहर हो चुके हो भाई, रजाई ओढ़ के सो रहा है यहाँ पे, इस पे नहीं सोना था, यही तो टास्क था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतनी जोर से सर्दी लग रही थी। तो भाई तीन में से अब एक और बंदा बबलू भी एलिमिनेट हो चुका है सुबह सुबह, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि ये मेरे से पहले उठ गए होंगे और कुछ गड़बड़ भी करी होगी तो मेरे को पता नहीं लगेगा, लेकिन ये तो रजाई ओढ़ के सो रहा है यहाँ पे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इस पे भी सोया हो। भाई शशि अभी भी अपने पूल टेबल के ऊपर सो रहा है। बबलू एलिमिनेट हो गया, करतार को और कर दे यार। अब देखो तुम दोनों लोग बचे हो, करतार सब बाहर हो गए, बाहर आ जा भाई, अब इस चैलेंज को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। मैं यहाँ पे ये बॉल रख के एक बॉल की रेखा बना रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर हाथ पैर कुछ नहीं जाना चाहिए, इससे अगर बाहर निकले तो चैलेंज से बाहर, 1,00,000 का नुकसान। आ जाओ भाई करतार का जो चैलेंज है उसको भी थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आपकी नींद बड़ी खराब है यार। करतार लॉक कर रखा इसने, अरे बंद क्यों कर लिया? मैं पोटी कर रहा हूँ बाद में। अरे तो गेट तो खोल, पोटी कर रहा है तू? भाई करता तो गेट ही नहीं खोल रहा। तेरा कैमरा चालू कर, उसमें गुड मॉर्निंग बोल दे, हम मान लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई करतार अभी भी चैलेंज में है। ओ करतार ये बेड शीट किसने ऐसे करी है भाई? हैं? तू सोया था यहाँ पे? ये खुद ही सोया था यहाँ पे आके। टी शर्ट भी टच हो गई इस लकड़ी पे तो बाहर। लो रे यार। भाई और छोटी कर दूंगा जगह।
इधर दोनों बाहर बैठ के आ। इसको एक अंगूठे पे खड़ा कर देते हैं, बबलू कह रहा है। और भी कोई खड़ा हुआ होगा उस तक एक अंगूठे पे। अबे यार कैसे रह रहा है करतार तू इसके अंदर? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जो करतार है वो यहाँ पे इसमें फ्लश क्यों कर रहा है? ये फ्लश नहीं हो रहा। एक ही सांस में बोल गया भाई, करतार का फ्लश नहीं हो रहा अंदर। इसकी शक्ल देखो, इधर आओ, इसकी शक्ल देखो एक बार, ये देखो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। भाई अब जो है सुन, बबलू भी एलिमिनेट हो चुका, अब तुम दो लोग बचे हो, तू और शशि, जो कि पिछले 20-21 घंटे से अपना चैलेंज कर रहे हो। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। भाई भाई मैं भी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, इन लोगों को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं फिलहाल, और शशि और करतार बचे हुए हैं, और करतार जो है वो बैठा है अंदर इस शीट के ऊपर ही। तू इस पे बैठा है क्या? नीचे गीला कैसे हो गया पूरा? ये मैंने नहा लिया ना। इसमें बदबू आ रही थी पूरे शरीर से यार। करतार जो है उसके शरीर में बदबू आ रही थी, नहा लिया इसमें। ये बढ़िया काम है, नहा रहा है इस पे जो है, सीट को भी कर रहा है, मस्त सारा यूज कर रहा है। तू सोया कहाँ? सोया भी कि नहीं सोया? नहीं सो पाया। तो कर क्या रहा था रात को? चलो ठीक है गाइस, देखते हैं कि करतार और शशि में से कौन टिक पाता है। भाई मोहित तो मैगी खाने में लग भी चुका है, और इन लोगों के लिए मैगी बनाई है मोहित ने। मैं इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इनको खाना पीना सब कुछ दे रहा हूँ। अरे यार रात को भी बर्गर खाया था। भाई जिस मैगी को देख के मेरे को एक गाना याद आ रहा है। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं टॉयलेट में खाना दे दे के आ रहा हूँ यार, टॉयलेट सीट पे बैठ करके भाई मैगी खा रहे हैं। यार मेरा मन नहीं कर रहा सच में वहां पे बैठ के खाने पे, मैं यही खा रहा। और गाइस आज आपको पता चलेगा कि ये जो पूल टेबल है ये सिर्फ खेलने के ही काम नहीं आती, इस पे आप सो भी सकते हो, इस पे आप खा भी सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो। भाई शशि को थोड़ा सा थकाते हैं यहाँ पर, उसको जो है डांस कराएंगे। मैं बजाऊंगा गाना, डांस करना पड़ेगा 5 मिनट तक अगर सुसु जाना है तो। ये क्या था? जोश में आने की जरूरत नहीं थी। तो गाइस जो चैलेंज है वो हो चुका है कंप्लीट, और हमें हमारा विनर मिल चुका है शशि साहब। फाइनली गाइस ये ट्रिक काम कर गई, और जो गाना था उसमें फंस गया। अरे भाई कैसे नीचे, मतलब सीधा यहाँ से नीचे का यहां, सीधा के बाद में रुका ही नहीं। करतार वो सुसु करने गए। करतार जो कि बाथरूम में बंद था, भाई मैंने तो बिल्कुल ही सोचा था, मुझे लग रहा था कि ये तो सबसे पहले बाहर होगा, वो कर जीत चुका, उसको पता भी नहीं है कि वो जीत चुका। चलो उसके पास चलते हैं। भाई करतार को नहीं पता कि वो जीत चुका है। करतार एक बात बताऊं तेरे को, सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। सच में? हाँ भाई, ये बंदा टॉयलेट में पड़ा है कल से, और अब तक सबसे ज्यादा देर रह चुका है इसके अंदर। आराम से। ये जो है ये भाई कहाँ रह के जीता है? तो भाई करतार जीत चुका है आज का चैलेंज। उम्मीद नहीं थी इस चीज की कि ऐसा हो जाएगा। एक बार तालियां बनती है भाई इस चीज के लिए, क्योंकि इसने जिस जगह पे रहा है भाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? तुम दोनों को इसको आनी चाहिए सर। वैसे आ रही है, इसको आनी चाहिए। इसको क्यों आनी चाहिए भाई, इसने कंप्लीट किया है भाई, फिर भी जीत गया वो। और 200-300 रुपए मैं मेरी तरफ से और दे रहा हूँ भाई, कुछ घर बना, घर का काम कर, कुछ अच्छा काम कर यार। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कब तक रहेगा ये भाई? करतार के 1,00,000 रुपए और तालियां बनती करतार के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आएगा इस एक्सट्रीम चैलेंज के अंदर। अगर आपको मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाहर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, घर में अंदर नरक भी जी रहा था। तो गाइस आज मैं 1,00,000 रुपए जीत चुका, और आप भी कमा सकते हो मेरे तरह रुपए इलेक्ट्रिक में रह के। आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी तकलीफ सही है ना उसके अंदर, आपको पता चलेगा। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ अंदर, कैसे उसमें बदबू आ रही थी, उसमें फ्लश भी नहीं हुआ, उसकी वजह से पूरा माहौल ऐसा हो रखा था रंगीन, पूरा बदबू वाला रंगीन।